नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से जुड़े 101 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये प्रश्न हमने तैयार किए हैं जो आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे इस वीडियो में आपकी रचनाओं से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबाकर, और साथ में बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई जो है वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना जो है एकदम फ्री है, और साथ ही साथ आप फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है? ऑप्शन ए 1700 से 1900, ऑप्शन बी 1900 से 2100, ऑप्शन सी 1300 से 1500, ऑप्शन डी 1500 से 1700। तो रीतिकाल का समय जो है वो ऑप्शन ए 1700 से 1900 तक का माना गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीतिकाल का आरंभ किसके शासनकाल से माना जाता है? तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी अकबर, या फिर डी इब्राहिम लोदी। तो रीतिकाल का जो आरंभ है यानी कि शुरुआत है वो शाहजहां यानी कि ऑप्शन बी के शासनकाल से माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, रीतिकाल का अंत किसके शासनकाल तक माना गया है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी संत कबीर, सी बहादुर शाह जफर, या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर फोर है, कवि प्रिय और रसिक प्रिय किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, बी मुंशी प्रेमचंद जी की, सी बिहारी, या फिर डी केशवदास। तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो रचना है वो है डी केशवदास जी की। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किन्होंने रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भीष्म सानी जी, ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने, या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन ने। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी मिश्र बंधुओं ने जो है रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, किसने जो है रीति काल को श्रृंगाल काल का नाम दिया है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है यानी कि रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन जो है रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर डी रघुवीर सहाय। तो वे व्यक्ति हैं ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, इस काल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी केशवदास, या फिर डी नागार्जुन। तो रीतिकाल की संज्ञा जिसने दी थी तो वे हैं ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी संत कबीर, सी सूरदास, या फिर डी केशवदास। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी केशवदास। केशवदास जो है रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर टेन है, किसने जो है केशव के स्थान पर चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक घोषित किया है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नरेश मेहता, सी गोपालदास, या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। तो वे हैं ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 11 है, यह किसने कहा है कि रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है? हो भी सकता था क्योंकि भक्ति उनके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी संतरदास, या फिर डी बिहारी। तो ये कहा है ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, केशवदास का जन्म कब हुआ? ए 1512 में, बी 1612 में, सी 1712 में, या फिर डी 1812 में। तो केशवदास जी का जन्म हुआ था ऑप्शन बी 1612 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? ए केशवदास, बी बिहारी, सी गोपालदास, या फिर डी गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो रामचंद्रिका जो है रचना है ऑप्शन ए केशवदास जी की। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहांगीर जसचंद्रिका तथा छंदमाला किसकी रचना है? ऑप्शन ए नागार्जुन,
बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी केशवदास या फिर डी तुलसीदास। तो ये रचना है ऑप्शन सी केशवदास जी की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर के निकट बसुदा गोविंदपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी रस खान, ऑप्शन डी मीराबाई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 16 है बिहारी लाल जी ने कितने दोहे लिखे हैं। ए 848, बी 566, सी 715 या फिर डी 770। तो बिहारी लाल जी ने ऑप्शन सी 715 दोहे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बिहारी लाल जी का निधन कौन से सन में हुआ। ऑप्शन ए 1663 में, ऑप्शन बी 1450 में, ऑप्शन सी 1850 में, ऑप्शन डी 1599 में। तो बिहारी लाल जी का निधन हुआ था ऑप्शन ए 1663 में। क्वेश्चन नंबर 18 है नर की अरुणल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। ये आपको बताना है कि पंक्तियाँ जो है किस कवि की हैं। ऑप्शन ए बिहारी लाल जी की, बी केशवदास, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर डी मीराबाई। तो फ्रेंड्स ये पंक्तियाँ हैं ऑप्शन ए बिहारी लाल जी की। क्वेश्चन नंबर 19 है बिहारी लाल जी के कितने दोहे श्रृंगार प्रधान हैं। ऑप्शन ए 500, बी 400, सी 600 या फिर डी 700। तो बिहारी लाल जी के ऑप्शन सी 600 दोहे जो हैं श्रृंगार प्रधान हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सतसई जो है किसकी रचना है। ऑप्शन ए श्यामचरण दुबे, बी हरिश्चंद्र, सी राहुल शर्मा, डी बिहारी लाल। तो सतसई जो है रचना है ऑप्शन डी बिहारी लाल जी की। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन रीति मुक्त कवि उन्मुक्त हृदय के कवि थे। ए घनानंद, बी संत रविदास, सी संत कबीर या फिर डी तुलसीदास। तो दोस्तों ऑप्शन ए घनानंद जो है रीति मुक्त कवि उन्मुक्त हृदय के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 22 घनानंद किस मुगल बादशाह के मुंशी थे। ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर या फिर डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो घनानंद जो है ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला के मुगल बादशाह के मुंशी थे। क्वेश्चन नंबर 23 सुजान सागर और प्रेम पत्रिका किसकी रचना है। ए घनानंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर डी निर्मल वर्मा। तो सुजान सागर और प्रेम पत्रिका जो है ऑप्शन ए घनानंद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 भाव पक्ष और कला पक्ष ये दो पक्ष किस कवि से जुड़े हैं। ए चाणक्य, बी तुलसीदास, सी घनानंद या फिर डी रसखान। तो ये पक्ष जुड़े हैं ऑप्शन सी घनानंद जी से। क्वेश्चन नंबर 25 रोल्ट एक्ट कौन से वर्ष पास हुआ। ए 1919 में, बी 1930 में, सी 1945 में या फिर डी 1950 में। तो रोल्ट एक्ट पास हुआ था ऑप्शन ए 1919 में। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत छोड़ो आंदोलन कौन से सन में हुआ। ऑप्शन ए 1945, बी 1942, सी 1930 या फिर डी 1920 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ऑप्शन बी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 27 है आधुनिक काल का समय है। ऑप्शन ए संबत 1700 से आज तक, ऑप्शन बी संबत 1900 से आज तक, ऑप्शन सी संबत 1500 से आज तक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काल का समय है ऑप्शन बी संबत 1900 से आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतेंदु युग का समय काल कितना है। ऑप्शन ए 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1500 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1768 से 1800 ईस्वी तक। तो भारतेंदु युग का समय काल है ऑप्शन ए 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 29 है आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी गोपाल दास। तो आधुनिक युग का प्रवर्तक जो है माना गया है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। क्वेश्चन नंबर 30 है किस युग को साहित्य पुनरुत्थान राष्ट्रीय चेतना परक एवं आदर्शवादी युग कहा जा सकता है। ए प्रगतिवादी युग, बी छायावादी युग, सी प्रयोगवादी युग, बी भारतेंदु युग। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 31 है द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना गया है। ऑप्शन ए वर्ष 1880 से 1900 तक,
बी वर्ष 1900 से 1920 तक, सी वर्ष 1950 से 1970 तक, डी इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों द्विवेदी युग का समय माना गया है ऑप्शन बी वर्ष 1900 से 1920 तक। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक हिंदी काव्य धारा का दूसरा चरण कौन सा युग कहलाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या फिर डी प्रयोगवादी युग। आधुनिक हिंदी काव्य धारा का दूसरा चरण ऑप्शन बी द्विवेदी युग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्विवेदी युग की साहित्यिक चेतना के सूत्रधार कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सुर, सी संत कबीर या फिर डी संत रैदास। तो ऑब्वियस सी बात है, द्विवेदी युग की साहित्य चेतना के सूत्रधार थे ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 34 है, छायावादी युग का समय कब से कब तक माना गया है? ऑप्शन ए 1875 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1900 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छायावादी युग का समय काल ऑप्शन सी 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 35, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कौन से युग के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रगतिवादी युग या फिर डी प्रयोगवादी युग। तो ये सब जो हैं प्रमुख कवि हैं ऑप्शन ए छायावादी युग के। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसका कथन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो ये कथन है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस कवि ने छायावाद के संबंध में यह लिखा है कि छायावाद ने मनुष्य के हृदय में और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य की प्रकृति अपने दुख में उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी मिश्र बंधुओं ने, सी भीष्म साहनी जी ने या फिर डी जयशंकर प्रसाद ने। तो ये कहा था ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रगतिवादी युग का समय काल कब से कब तक माना गया है? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिवादी युग का समय काल माना गया है ऑप्शन सी 1935 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रयोगवादी कविता का समय कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1943 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी कविता का समय काल माना जाता है ऑप्शन बी 1943 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 40 है, नई कविता का समय काल कब से कब तक कहा जाता है? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स नई कविता का समय काल जो है ऑप्शन ए 1954 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला आदि इन सभी मुगल सम्राटों का नाम कौन से युग से जुड़ा है? ए रीतिकाल, बी आधुनिक काल, सी भक्ति काल या फिर डी आदिकाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, रीतिकाल में तीन प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 2 रीतिसिद्ध काव्य धारा, नंबर 3 जो है फ्रेंड्स आपको गैस करना है। तो नंबर 3 के लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए रीतिमुक्त काव्य धारा, ऑप्शन बी रीति श्रृंगार काव्य धारा, ऑप्शन सी रीति बोध काव्य धारा, ऑप्शन डी रीति प्रेम काव्य धारा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए रीतिमुक्त काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, भिखारीदास, पद्माकर, देव, गवाल, प्रतापशाही आदि सभी जो हैं कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीतिसिद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये जो हैं सभी ऑप्शन ए रीतिबद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बिहारी, वेणी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नेवाद हरिजी, राम सहाय दास तथा द्विजदेव
जो हैं कौन से कवि हैं। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रीतिवध, ऑप्शन बी रीतिसिद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी रीतिबोध। तो ये सभी जो हैं ऑप्शन बी रीतिसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 45, घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम आदि जो हैं कौन से कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी प्रीतिसिद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जो हैं फ्रेंड्स ऑप्शन सी रीतिमुक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख साहित्य भाषा कौन सी थी। ए ब्रज, बी प्राकृत, सी मैथिली या फिर डी उर्दू। तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख साहित्य भाषा थी ऑप्शन ए ब्रज। क्वेश्चन नंबर 47 है, केशव का जन्म कौन से स्थान पर हुआ। ऑप्शन ए ग्वालियर के आदमपुर में, ऑप्शन बी बिहार के भागलपुर में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में। तो केशव जी का जन्म हुआ था ऑप्शन सी बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में। क्वेश्चन नंबर 48 है, केशव जी के पिता का नाम क्या था। ए काशीनाथ, बी महावीरदास, सी रघुवर या फिर डी रमन्ना। तो केशव जी के पिताजी का नाम था ऑप्शन ए काशीनाथ। क्वेश्चन नंबर 49, नखशिख और वीर सिंह देवचरित किसकी रचना है। ए नागार्जुन, बी महादेवी वर्मा, सी बिहारी या फिर डी केशव जी की। तो ये रचनाएं हैं ऑप्शन डी केशव जी की। क्वेश्चन नंबर 50, रामचंद्रिका केशव की रचना है जो किस दृष्टिकोण से प्रसिद्ध रचना है। ए संवाद योजना, बी मुक्ति योजना, बी मुक्ति बंधना, सी विज्ञान योजना या फिर डी भक्ति योजना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए संवाद योजना। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस बादशाह ने बिहारी को आगरा आने का निमंत्रण दिया। ए शाहजहां, बी बीरबल, सी अकबर या फिर डी हुमायूं। तो वो बादशाह थे ऑप्शन ए शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 52, आगरा में बिहारी की भेंट हिंदी के कौन से कवि से हुई। ए कवि रहीम, बी कवि कबीर, सी कबीर रैदास या फिर डी कवि तुलसीदास। तो वे कवि थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी आगरा में, ऑप्शन ए कवि रहीम। क्वेश्चन नंबर 53, बिहारी किस राजा के कवि थे। ऑप्शन ए भैरवनाथ सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी शमशेर सिंह या फिर डी नरेश सवाई जय सिंह। तो बिहारी जो हैं ऑप्शन डी नरेश सवाई जय सिंह के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 54, बिहारी के एकमात्र काव्य ग्रंथ का नाम क्या है। ए ससई, बी रसिक प्रिया, सी कनुप्रिया या फिर डी श्रृंगार मंजरी। तो बिहारी का जो एकमात्र काव्य ग्रंथ है उसका नाम है ऑप्शन ए बिहारी ससई। क्वेश्चन नंबर 55, बिहारी ससई का मुख्य रस क्या है। ए वीरस, बी श्रृंगार रस, सी हास्य रस या फिर डी शांत रस। तो वो रस है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 56, घनानंद ने कुल कितनी काव्य रचनाएं लिखी। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 32। तो घनानंद जी ने जो है कुल ऑप्शन बी 41 काव्य रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आर्य समाज की स्थापना किसने की। ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी महावीर, डी घनानंद। तो आर्य समाज की स्थापना की है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 58, ब्रह्म समाज का प्रवर्तक कौन था। ए बाबा सोहन सिंह पखना, बी राजा हरिश्चंद्र, सी राजा रावल रतन सिंह या फिर ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक थे ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 59 है, महाराष्ट्र समाज के नेता कौन थे। ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, बी राजा राममोहन राय, सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर डी महादेव रुद्र। तो महाराष्ट्र समाज के नेता थे ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 60 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। ए भारतेंदु को, बी तुलसीदास, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी महादेवी वर्मा को। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है ऑप्शन ए भारतेंदु को। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन से युग में कलात्मकता का अभाव था। ऑप्शन ए सत्ययुग, बी भारतेंदु युग, सी आधुनिक युग या फिर डी त्रेता युग। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 62 है, राधा कृष्ण दास किस युग के कवि थे। ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या फिर डी रीतिकाल। सो राधा कृष्ण दास जी कवि थे ऑप्शन ए भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रेम, पुष्पावली, श्रृंगार विलास, ब्रैडला स्वागत, लोकत्ति शतक आदि किसकी रचनाएं हैं। ए प्रताप नारायण मिश्र जी की,
बी सूर्य कुमार पांडे, सी यशपाल या फिर डी बिहारी। तो ये सभी रचनाएं जो हैं ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 64, आनंद, कादम्बिनी और नागरी नीरद किसकी रचनाएं हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र जी की, बी बद्री नारायण चौधरी जी की, सी केशवदास या फिर डी रमेश चंद्र झा जी की। तो ये सभी रचनाएं हैं ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी जी की। क्वेश्चन नंबर 65 है, भ्रमर गीत, बारामासी, प्रेम बगीची, विधवा बिलाप आदि किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मीरा, सी मलिक मोहम्मद जायसी या फिर डी राधाचरण गोस्वामी। तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो हैं ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी जी की। क्वेश्चन नंबर 66 है, पृथ्वीराज प्रयाग, देश दशा, जुबली, रहीमन बिलास आदि किसकी रचनाएं हैं? ए अकबर, बी मैथिलीशरण गुप्त, सी राधा कृष्ण दास या फिर डी देवकी नंदन खत्री। तो ये सभी रचनाएं हैं ऑप्शन सी राधा कृष्ण दास जी की। क्वेश्चन नंबर 67 है, काव्य मंजूषा, सुमन, कविता कलाप आदि किसकी रचनाएं हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी कबीर या फिर डी गंगादास। तो ये सभी रचनाएं हैं ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। क्वेश्चन नंबर 68 है, कश्मीर सुषमा, देहरादून, गोपिका गीत, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, भक्ति, बीबा आदि जो हैं किसकी रचनाएं हैं? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी संतरदास, सी श्रीधर पाठक या फिर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सभी रचनाएं हैं ऑप्शन सी श्रीधर पाठक जी की। क्वेश्चन नंबर 69 है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की कौन सी कविताएं प्रकाशित हुई? ए फुटकर, बी भारत भारती, सी पंचवटी या फिर डी राष्ट्र भावना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए फुटकर। क्वेश्चन नंबर 70 है, रंग में भंग, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, अनध, हिंदू, त्रिप गाथा, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, नहुष, पृथ्वीपुत्र, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी मीराबाई, सी नरेश मेहता या फिर डी निर्मल मेहता। तो फ्रेंड्स ये सभी रचनाएं जो हैं वो हैं ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी की। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, मिलन, पथिक, स्वपन, मानसी, सुभद्रा, प्रेमलोक, जयंत जो कि नाटक है, बीरबाला जो कि उपन्यास है, ग्राम गीत आदि किनकी रचनाएं हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी रघुवीर सहाय या फिर डी नरेंद्र कोहली। तो ये सभी रचनाएं हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी जी की। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रिय प्रवास, विदही, बनवास, पारिजात, रस कलश, रसिक, रहस्य प्रेम, प्रपंच, कल्पलता, ग्राम गीत, मम स्पर्श आदि किसकी रचनाएं हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, बी विभूति नरेन राय की, सी राजकमल चौधरी, डी बाबू गुलाब राय। तो फ्रेंड्स ये सभी रचनाएं हैं ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की। क्वेश्चन नंबर 73, द्विवेदी युग कौन से युग का विकसित रूप है? ए भारतेंदु युग, बी छायावादी युग, सी आधुनिक युग या फिर ऑप्शन डी भक्तिकाल युग। तो द्विवेदी युग जो है फ्रेंड्स ऑप्शन ए भारतेंदु युग का विकसित रूप है। क्वेश्चन नंबर 74, जयद्रथ वध, पंचवटी, पथिक, स्वपन आदि कौन से युग के प्रसिद्ध खंड काव्य हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रगतिवादी युग या फिर ऑप्शन डी प्रयोगवादी युग। तो ये सभी जो है ऑप्शन बी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 75, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा कवि और कवित्री हैं? ऑप्शन ए प्रयोगवादी एवं नई कविता के, बी छायावाद के, सी द्विवेदी के या फिर डी प्रगतिवादी के। सो फ्रेंड्स ये सभी जो कवि कवित्री हैं ऑप्शन बी छायावाद के हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, झरना, लहर, कामायनी आदि किनकी रचनाएं हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी कबीर, सी मुंशी प्रेमचंद, डी विद्यापति। तो ये सभी रचनाएं हैं ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की। क्वेश्चन नंबर 77, जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति आदि किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामरतन भटनागर या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये सभी रचनाएं जो हैं वो हैं ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो हैं सभी रचनाएं क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 78,
वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, युगांत आदि किन की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी हरिशंकर परसाई या फिर डी विवेकी राय। तो ये सभी रचनाएं हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत जी की। क्वेश्चन नंबर 79, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीत, दीपशिखा, संधनी, सप्तपर्णा, हिमालय आदि किन की रचनाएं हैं? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी धर्मवीर भारती, डी जैनेन्द्र कुमार। तो ये सभी रचनाएं हैं फ्रेंड्स ऑप्शन ए महादेवी वर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर 80 है, मार्क्सवादी आंदोलन से प्रभावित होकर जो हिंदी कविता रची गई जिसमें शोषकों को प्रताड़ित किया गया और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई वही डैश कविता कहलाई। सो फ्रेंड्स आपको जो है इस डैश को कंप्लीट करना है यानी कि खालिस्तान में जो है क्या आएगा। ऑप्शन ए प्रयोगवादी, बी प्रगतिवादी, सी छायावादी, डी आधुनिक। तो वो कविता कहलाई ऑप्शन बी प्रगतिवादी कविता। क्वेश्चन नंबर 81, सन 1936 में किन की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी मुंशी प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है डी मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुमित्रानंदन पंत, शिव मंगल सिंह सुमन, उदय शंकर भट्ट, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल तथा राम विलास शर्मा आदि कौन से कवि हैं? ए प्रगतिवादी, बी छायावादी, सी प्रयोगवादी या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु। तो ये सभी जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन ए प्रगतिवादी। क्वेश्चन नंबर 83, छायावादोत्तर हिंदी काव्य में तार सप्तक जो कि सन 1943 में प्रकाशित हुआ था के प्रकाशन के साथ ही कौन सी कविता का जन्म हुआ? ऑप्शन ए प्रगतिवादी, बी प्रयोगवादी, सी छायावादी या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 84 है, वर्ष 1947 में किसके द्वारा प्रतीक पत्रिका संपादित की गई थी? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी अज्ञेय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी मोहन राणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, अगे भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह आदि कौन से कवि हैं? ए प्रयोगवादी, बी छायावादी, सी प्रगतिवादी या फिर डी भारतेंदु। तो ये सभी जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन ए प्रयोगवादी। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन के साथ ही कौन सी कविता का जन्म माना जाता है? ऑप्शन ए छायावादी कविता का, ऑप्शन बी नई कविता का, ऑप्शन सी प्रगतिवादी कविता का या फिर ऑप्शन डी प्रयोगवादी कविता का। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नई कविता का। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रयोगवादी कविता में वर्णन हुआ है ऑप्शन ए व्यक्तिवादी भावना का, ऑप्शन बी प्रेम भावना का, ऑप्शन सी करुणा भावना का, ऑप्शन डी नफरत भावना का। तो फ्रेंड्स प्रयोगवादी कविता में वर्णन हुआ है ऑप्शन ए व्यक्तिवादी भावना का। क्वेश्चन नंबर 88 है, नलिन, त्रिलोचन शर्मा, केसी कुमार और नरेश शर्मा कौन से कवि हैं? ए नकेनवाद, बी प्रगतिवादी, सी छायावादी या फिर ऑप्शन डी प्रयोगवादी। सो फ्रेंड्स ये तीनों जो हैं ऑप्शन ए नकेनवाद कवि हैं। और फ्रेंड्स इन तीनों के नामों के पहले अक्षर न, के और न को मिलाकर जो है नकेनवाद बना। क्वेश्चन नंबर 89, सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे नई कविता के पहले चरण के कवियों का नाम। तो इन कवियों में शामिल है अज्ञेय, नरेश मेहता, नागार्जुन, जगदीश गुप्त, ठाकुर प्रसाद सिंह और कीर्ति चौधरी। क्वेश्चन नंबर 90 है, सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे नई कविता के दूसरे चरण के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ये कवि हैं मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, नई कविता के तीसरे चरण के प्रमुख कवि कौन हैं? तो फ्रेंड्स इनमें शामिल हैं केदारनाथ सिंह, विपिन अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, मणि मधुकर और अजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 92 है फ्रेंड्स, रजनीगंधा एक हिंदी फिल्म है जो कि 1974 में आई थी। यह फिल्म यही सच है जो कि एक लघु कहानी है उस पर आधारित है। रजनीगंधा फिल्म 1974 में फिल्म फेयर बेस्ट मूवी का अवार्ड भी जीत चुकी है। तो आपको बताना है यही सच है किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महादेवी वर्मा या फिर डी मनु भंडारी। सो फ्रेंड्स ये रचना है ऑप्शन डी मनु भंडारी जी की। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अन्याय,
उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा डैश हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास, ऑप्शन डी संतरेदास। तो वो कवि हैं ऑप्शन सी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 94, सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? सो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है इस क्वेश्चन के आंसर का पता होगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। क्वेश्चन नंबर 95 है, मती राम किस भाषा के कवि थे? ए ब्रज, बी संस्कृत, सी देवनागरी या फिर डी उर्दू। तो मती राम जो है ऑप्शन ए ब्रज भाषा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, रसराज और ललित ललाम किसकी रचना है? ए सूरदास, बी मती राम, सी केशवदास या फिर डी भूषण। तो फ्रेंड्स रसराज और ललित ललाम जो है ऑप्शन बी मती राम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, रसखान कृष्ण भक्त कवि थे? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी जैन या फिर ऑप्शन डी सिख। तो रसखान कृष्ण भक्त कवि थे, ऑप्शन बी मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 98, रसखान को रस की खान कहा गया है क्योंकि इनके काव्य में डैश रस की प्रधानता है। ऑप्शन ए भक्ति और श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी प्रेम और वीर रस, ऑप्शन डी करुण और रुद्र रस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए भक्ति और श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 99 है, मथुरा जिले में महाबन में किस कवि की समाधि बनी हुई है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मतीराम, सी तुलसीदास या फिर डी रसखान। तो वे कवि हैं ऑप्शन डी रसखान। क्वेश्चन नंबर 100 है, रसमंजरी और सुदामा चरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए मतीराम, बी तुलसीदास, सी नंदास या फिर ऑप्शन डी सूरदास। तो ये रचनाएं हैं ऑप्शन सी नंदास जी की। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ए चंद्रबरदई की, बी मैथिलीशरण गुप्त जी की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी की। सो फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो जो है रचना है ऑप्शन ए चंद्रबरदई की। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है कई बार प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, सो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे 101 क्वेश्चंस हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड। सो दोस्तों अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें।